एज का इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी एज का इंपॉर्टेंस क्या है? मैं अपने आप को इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैं 35 से एक्सीड कर गया हूँ, दो महीने ज़्यादा हो गए, तब मैं 33 से भी अबव हो गया हूँ, टू ईयर्स वो भी चलेगा और टू मंथ्स ये भी चलेगा, तो इसलिए आपके लिए कह रहा हूँ, नौजवानों के लिए, ठीक है, जो अब 10 ईयर्स से अबव है, 33 से बिलो है, उनको क्या करना है, उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, आपकी ये एज का इंपॉर्टेंस पहले जान लीजिए तो आप सब समझ जाएंगे। अगर मैं आपको समझ लीजिए एक गिफ्ट ला के दूँ, वैसे दे नहीं रहा हूँ, ऐसा जोकिंगली बोल रहा हूँ, एक गिफ्ट ला के दूँ और मैंने वो अमेरिका से लाया, ठीक है, और एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में चलता नहीं है और आपको ला के दिया, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार चाइना का दिख रहा है, कुछ समझ में आया, चूँकि आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, ब्रांड इंडिया में चलता नहीं। एक अमेरिकन आया और उसने आपके हाथ में देखा, बोला हाँ आप ये ब्रांड यूज़ करते हैं इंडिया में रह के, ओ यू आर सो ग्रेट, बहुत मालदार दिख रहे हो तुम, ये ब्रांड तो अमेरिका में, तो आप जैसा जिसको आप अभी बोल रहे यार क्या पता नहीं चाइना वाइना का फैसबिन ला के दे दिए, एकदम आपको फख्र महसूस होता है और उसको आप सामने ला के घूमते, जो छुपा रहे थे आप, और कोई बोला अरे ये क्या है, तुमको नहीं समझता मियाँ जाओ ये अमेरिका का ब्रांड है, तुमने देखे नहीं थे, तुमको क्या मान होगा नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चलने के बाद ही आप उसको क्या करते, सीरियसली लेते, नहीं इंपॉर्टेंट है ना, कोई फाइल है आपके डैडी ने लाए घर में रख दिए, आप साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फाइल ला के बोले इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ लगाया तो हड्डी फसली एक हो जाएंगी उसकी, मतलब फाइल इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको हाथ नहीं लगाना है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पहले इंपॉर्टेंस तो समझिए, फिर अपन देखेंगे बाकी का इशू क्या बाकी है अपने पास। तो सबसे पहले इस एज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जवानी बोलते हैं, ठीक है, यूथ बोलते हैं, अडल्टहुड बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस की किताब है, उसमें सेइंग्स है, नरेशन से प्रॉफिट के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें एक हदीस है, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले कर लो, फाइव बिफोर फाइव, पांच को पांच से पहले कर लो, मतलब पांच चीज़ों से पहले पांच चीज़ों को करना है वरना आप नुकसान में रहेंगे, फाइव बिफोर फाइव बोलकर यह हदीस बहुत मशहूर है, पांच से पहले पांच क्या है सुनिए, पहला सेहत का सही फायदा उठा लो बीमारी से पहले, फाइव बिफोर फाइव में फर्स्ट क्या है, सेहत का हेल्थ का सही फायदा उठा लो इससे पहले कि आप बीमार हो जाए, मतलब यूथ का सही फायदा उठा लो इससे पहले कि आपकी एज हो जाए, और एज जब हो जाती है आदमी बीमार हो जाता है। सेकंड उसके अंदर कहा कि मालदारी को गनीमत जमा लो गरीब होने से पहले, मतलब आपके पास अगर पैसा है तो सही इस्तेमाल कर लो इससे पहले कि फिर आप गरीब हो जाए, पैसा मतलब खर्च हो जाए। थर्ड कहा खाली वक्त को गनीमत जान लो इससे पहले कि आप मसरूफ हो जाए, खाली वक्त समझते ना, एम्प्टी टाइम है, लीजर टाइम है आपके पास करने के लिए, उसको फ़ायदा उठा लीजिए जल्दी इससे पहले कि आप क्या हो जाए, बिजी हो जाए, जैसा कि आपके पास जो अभी एज है इसमें आपके पास बहुत खाली वक्त होता है ना, जब आप बड़े हो जाएंगे, कॉलेज पास आउट हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएंगे, निकाह हो जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप आपकी जिम्मेदारियाँ, बी बच्चे, वालदेन की बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ें आप पर जिम्मेदारी, जैसे आपके डैडी अभी करते सब आपको करना पड़ेगा, है ना, तो मसरूफियत को सही फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि बिजी हो जाए। फोर्थ आपने बयान किया जवानी का सही फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, यूथ का सही फायदा उठा लो इससे पहले कि आप ओल्ड एज में चले जाए, और फिफ्थ कहा जिंदगी का सही फायदा उठा लो इससे पहले कि आप मर जाए। तो फाइव बिफोर फाइव सब टाइम से रिलेटेड ही है, सेहत बीमारी से सेहत का फायदा उठा लो, पैसा, ठीक है, इसी तरह खाली वक्त, इसी तरह जवानी, और इसी तरह जिंदगी, जिंदगी वक्त है, जवानी वक्त है, खाली वक्त भी वक्त है। टाइम के बारे में थ्री क्वेश्चन है, मतलब पाँच में से तीन बातें टाइम की है, ये है इंपॉर्टेंस जवानी यूथ का। दूसरा आइए जामे तिर्मिजी की एक हदीस है, उसमें आपने फरमाया कहा आखिरत में मरने के बाद आदम की औलाद इंसानों की खदम अल्लाह के सामने जम जाएंगे, हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे जाके, और जब तक नहीं हलेंगे जब तक के पांच क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे, फाइव क्वेश्चंस, वायवो समझते हैं वायवो, ओरल टेस्ट, ओरल सबके होते हैं, ओरल से पहले कैसी हालत होती, पेट में कभी गड़बड़ होती, किसी को चक्कर आ रहा, डेजीनेस, हाँ कोई गिर जा रहा, किसी को उठा के लाना पड़ा, और कोई बार बार जाके आ रहा, यही होता है, क्यों ओरल है ना, वाइव है, टीचर सामने होंगे, अब वो टीचर कैसे क्या लो, आप कितने बार झगड़े उनसे, कितना बुरा बोले उनको, वो एक मसला खड़ा हुआ है सामने, है ना, एक बार ये बोल दिया था, दूसरी बार सुना नहीं था, अब टीचर पूरा बदला निकालेंगे, है ना, ओरल, तो वाइव तो वैसे ही होने वाला है, क़यामत के दिन भी हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह ताला सामने होगा और हमको फाइव क्वेश्चंस के आंसर कंपलसरी देना होंगे, और हदीस में अल्फाज है हमारे पैर हलेंगे नहीं जब तक हम आंसर नहीं देंगे उसका, हम जा ही नहीं सकते अल्लाह के सामने से। अब आप थोड़ा सा सोचिए, अकेले टीचर जो आपको हमेशा पढ़ाते, कुछ कुछ टीचर्स तो पूरे स्कूल लाइफ आप देखते, केजी से उनको देखते, फर्स्ट से उनसे पढ़ना सीखते, तो टेंथ तक उनसे सीखते रहते, हिंदी सीख रहे थे, फोर्थ से शुरू हो रहा तो टेंथ तक आप उनसे सीख रहे,
मैथमेटिक्स आपका शुरू हो 4th से लेकर 10th तक आप उनसे सीख रहे हैं, या फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो शुरू हो रहा है केजी से तो आप 10th तक सीख रहे हैं, टीचर वही है कभी कभार प्राइमरी और हाई के, लेकिन उन्हीं को आप देखते रहते। 10 ईयर्स 12 ईयर्स देखने के बाद भी उनके सामने जाने से आप डरते हैं, टीचर है ना अथॉरिटी है, फेल कर दिए तो मार्क्स गलत दिए तो क्या कर सकते आप, यहाँ तो भी आप पकड़ के पेरेंट्स को ले चल जाएंगे, किसी को ले चल जाएंगे। लेकिन अब सोचिए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह ही सामने बैठा हुआ है, उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं बोल सकते, वो नाइंसाफी भी नहीं करेगा, ये बात भी बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, तय है। लेकिन अब हमने इतनी कोताहियाँ कर ली कि सामने जाना मुश्किल है हमारा, और 5 क्वेश्चन होने वाले, सबका रिप्लाई सबको देना है, मुझे आपको नॉन मुस्लिम मुस्लिम सबको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है वो ये है, जिंदगी कहाँ लगाई, एज कहाँ डाली, लाइफ, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जवानी कहाँ लगाई, जवानी यूथ लाइफ का पार्टी है ना, जिंदगी का हिस्सा है, फिर भी क्वेश्चन है उस पर एक अलग से, जवानी कहाँ लगाई, आप जो फेस से जा रहे हैं कहाँ लगाई। थर्ड क्वेश्चन, ठीक, इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल किया, नॉलेज कितना गेन किया और कितना प्रैक्टिस में लाया उसको। फोर्थ, माल कहाँ से कमाया, अर्निंग्स कैसी की और खर्च कहाँ किया। ठीक, तो आपकी एज में आपके लिए क्या क्या है, जिंदगी कहाँ लगाई, आपसे ये हो रहा चूँकि आपका 10 ईयर जिंदगी का अच्छा खासा वर्क चले गया। जवानी कहाँ लगाई, ये क्वेश्चन भी आपसे रिलेटेड ही है। ठीक, इल्म कितना हासिल किया कितना अमल किया, ये भी रिलेटेड है। माल कहाँ से कमाया वो छोड़ दीजिए, अभी आप कमाते नहीं, लेकिन एक तो है कहाँ खर्च किया, अगर पॉकेट मनी मिलती है तो कहाँ डालते, पूछ तो होने वाली है चूँकि आप 10 ईयर से अबा हो चुके हैं, तो हर चीज़ की कोई आपसे पूछ है, अगर गलत करते हैं तो फिर पकड़ हो जाएंगी, अच्छा करते हैं तो अल्लाह ताला फ़ायदा भी देंगे, है ना। तो 5 सवाल के जवाब देना, उसमें से एक क्या है, जवानी, फिर आ गया ना यूथ, आगे आइए। यूथ जो होता है, जवानी जो होती है, बहुत अहम फेज़ होता है, और नौजवान अगर कुछ करे तो सबको डर लगता है, और नौजवान कुछ करे तो सबको उम्मीदें भी रहती है कि अरे ये कुछ कर सकते हैं, है ना। देखिए अब एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग इतने सारे बच्चे अगर यहाँ आते हैं IRC में तो पूरे महल्ले वाले देख रहे हैं, अरे बच्चे आ रहे, अरे IRC में क्या हो रहा, अरे क्या करने वाले, सब देख रहे हैं। लेकिन ऐसा 100 बूढ़ों को बुला ले तो कोई टेंशन नहीं लेता, कुछ तो भी कर रहे होंगे, कौन से परवाह नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को पता है बूढ़े लोग मिलेंगे, गपशप करेंगे, चाय वाय पियेंगे, चल जाएंगे, उनमें वो ताकत अब नहीं बाकी कुछ तब्दीली ला सके, अच्छाई और बुराई दोनों की ताकत नहीं उनमें, बुराई करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, अच्छाई करना चाहे भी तो जिस्म और हालात साथ नहीं देते। लेकिन जब आप लोग समझो 10-20 जमा हो गए, या आपसे थोड़े बड़े 15-16-17 ईयर्स के अगर यूथ 2-4-5-10 जमा हो गए, तो लोग फौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, यहाँ इतने बच्चे जमा हो गए, क्या है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला, क्यों, तो उनको पता है यूथ कुछ तब्दीली ला सकते हैं, राइट डायरेक्शन में भी और रॉन्ग डायरेक्शन में भी, इसलिए क्या क्यों जमा हुए ज़रा वेरीफाई कर लो पहले ही। तो आपके उम्र का ये फ़ायदा है, आपकी एज का आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं ना। तो कुरान में भी एक वाक़ है, सूरह कहफ़ अगर आपने पढ़ा होगा, सूरह कहफ़ उसका आप ट्रांसलेशन पढ़िए, सूरह कहफ़ में एक बादशाह था और वो अपने आप को किंग जो था वो माबूद रब इलाह गॉड बोलता था, क्रिएटर बोलता था, लेकिन चंद नौजवान थे, कितने उसकी काउंटिंग नहीं आती है, लेकिन थे वो कुछ नौजवान, यंग थे, उन्होंने अल्लाह पर ईमान ला लिया, मतलब तो जिसको बोलेंगे सही बनाने वाला, ट्रू क्रिएटर जो हमारा है उस पर उन्होंने ईमान ला लिया, तो बादशाह को घबराहट शुरू हो गई, बोले फौरन पकड़ के लाओ, इसलिए कि यूथ है, नौजवान है, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें बहुत सलाहित है, बहुत ताकत। वो भागे और जाके गुफा में छुप गए, उसी से उस सूरह का नाम सूरह कहफ़ का मतलब होता था केव, गार, जाके छुप गए, अल्लाह ने उनको सुला दिया, और वो बहुत ज़माना, कुछ रिवायतों में आता 300 साल से ज़्यादा अल्लाह ने सुला दिया, फिर वो किंग मर गया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चले गई, फिर बाद में उठे तो उनको तो मालूम ही नहीं कितना ज़माना हुआ, है ना। तो वहाँ भी देखिए उस वाक़े में बादशाह डर गया था, किन लोगों से, क्योंकि वो नौजवान थे ना, ईमान लाए, तो उसको डर था उनके थोड़े से नौजवानों का ईमान लाना उसकी पूरी सल्तनत पलटाने के लिए काफ़ी था। तो ये आपकी एज की ताकत है, ये आप कर सकते हैं इस एज के अंदर जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते, है ना, तो इस बात को भी समझना। इसी तरह जो है असाब उदूद एक वाक़ कुरान में, अगर आपको पढ़ना है तो सूर्य बुरूज सूरह नंबर 85, सूर्य कहफ सूरह नंबर 18 है, उसकी आप शुरुआत पढ़िए, इतना सूर्य बुरूज सूरह नंबर 85 है। तो उसमें एक वाक़ आता है कि एक लड़के ने नौजवान लड़का था, मतलब मे बी अबाउट 10, कितनी एज नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो शादी वाला हो या इतना बड़ा, लेकिन अबाउट 10 था, नौजवान था, उसने अपनी जान देकर पूरे एक किंगडम, पूरे एक कंट्री को इस्लाम की दावत दे दी, अकेली अपनी जान देकर, और पूरे कंट्री ईमान ला लिया। क्यों ईमान ला लिया, उस एक नौजवान ने अपनी जान दी और पूरे कंट्री को, इसलिए कि उसने जब ईमान लाया तो उस वक्त का किंग जो अपने आप को गॉड बोलता था उसने मारने की कोशिश की,
वो मर नहीं रहा था इसलिए कि अल्लाह ने उसकी मौत उसमें लिखी नहीं थी। फिर अल्लाह ने उसको बताया कि उसकी मौत कैसे आएंगी। अल्लाह ने उसको बताया कि अगर तुमको मरना है तो तुम बादशाह को बोलो कि पूरे किंगडम के लोगों को जमा करो, एक सबसे ऊंचे पहाड़ पे मेरे को खड़े करो और एक तीर निकालना, ठीक, एरो निकालना और उसको लेकर जो है मेरे सर में मारना सब लोगों के सामने लेके, तो मैं मरूंगा। किंग ने बोला बहुत अच्छी बात है, मार देता हूँ, इसकी वजह से ईमान ला लिया, इसने फेथ ला लिया, इसने ये ईमान वाला है, उसने वही काम किया। जैसे ही वो लड़के को मारा गया, वो लड़का तो मर गया, लेकिन सारे लोग जो देख रहे थे उन्होंने बोले नहीं, लड़के का रब सच्चा है, लड़का सही था, और वो सारे के सारे लोग ईमान ला लिए लड़के के रब पर। तो एक लड़के ने अपनी जान देकर सारे किंगडम पूरे मुल्क को ईमान की दौलत देकर चला गया। लड़का ही था ना, कितना होशियार था और सही फ़ायदा उठा लिया, उसको उतने लोग ईमान लाने का भी सवाब मिलेगा और आखिरत में इंशाल्लाह उसके लिए जन्नत तो पक्की है, इसलिए कि हदीस में आता है कि वो ईमान वाला था और ईमान पर दुनिया से चला गया और अभी पूरे एक कंट्री को ईमान की दावत देकर गया और सारे लोग ईमान ला लिए उसके बोलने पर, है ना। बादशाह ने फिर इतना जुल्म किया कि पूरे कंट्री के लोगों को उसने जान से मार दिया जो जो ईमान लाए थे। बहरहाल लेकिन उस यूथ ने देखिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो आपकी उम्र ऐसी होती है, इस उम्र में आप क्या कर सकते हैं, मानो आपको बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। तो अपने इंपॉर्टेंस पहले समझिए आप कौन है, ऐसा ना हो कि नहीं अभी तो 8th में, अभी तो बहुत पढ़ना है, जब देखेंगे अभी तो क्या अपनी एज ही क्या हुई, अभी तो अपन फलाएं हरी हैं, ऐसा सोचते 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 क्या होगा मालूम आपको, क्या होगा समझ में नहीं आएंगे। आप आईने में कभी गौर करते रहिए, अभी सोचते 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 आपका चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, यहाँ कुछ तो भी काला 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 आना चालू हो जाएगा, फिर थोड़े बढ़ेंगे ऐसी सोच सोच में आप समझ नहीं पाएंगे अपनी अमल, फिर चेहरे पे और कुछ तो भी जो है काले का बाल आना चालू हो जाएंगे, फिर आप थोड़े से और बढ़ जाएंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, आपकी हाइट थोड़ी सी और लंबी हो जाएंगी, और सोचते सोचते आप सोचेंगे ना, चूंकि आपने ये एज में नहीं सोचा तो वो एज में भी नहीं सोचेंगे, फिर एक जमाना आएगा, फिर आप बड़े हो जाएंगे, फिर सोचते सोचते एक रुखा छप जाएंगे जिस पे आपका नाम लिखा हुआ, एक लड़की का नाम, आपकी शादी हो रही, फिर सोचते 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 कहीं अकीक़े अपने बच्चों के आप कर देंगे, फिर सोचते सोचते एक आएंगे कि बड़े आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे और आप बेड पर लेटें, और ऐसी बगैर सोचे समझे दुनिया से हम चले जाएंगे, इसलिए कि हमने कभी सोचा नहीं ना वो जो उम्र में सोचने की थी, बस हाँ अभी तो चेंज है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, अभी तो बच्चे है वन, अभी तो 11 ईयर्स 12 ईयर्स 8th है, अभी तो ग्रेजुएशन 10th है 12th है, ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है डॉक्टरेट है पोस्ट डॉक्टरेट है फिर जॉब है ना, ये सोच रहे हैं आप सब, लेकिन हम नहीं जानते ना। मैंने इसलिए बोला ना कि टाइम कब खत्म होगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं, तो जो टाइम है उसका सही हमको यूज़ करना, इस बात को हमको समझना। अब जवानी एक बहुत अहम मरहला, ये बात तो मैं समझता आप सब समझ गए, इंपॉर्टेंट एज है जवानी में, इंसान को